अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है एंड आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। इस टाइम एमडी कैट हो चुका है 10 सितंबर को और एफएससी बोर्ड का भी रिजल्ट आ चुका है सेकेंड ईयर का। तो इस टाइम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस कशमकश में हैं कि हम किस यूनिवर्सिटी एडमिशन लें, कहाँ जाएँ। जिन्होंने एमडी कैट दिया है अगर उनके मार्क्स कम है तो वो परेशान है कि हम क्या करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करना चाहिए आपको। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमडी कैट की। एमडी कैट के अंदर अक्सर बच्चों के मार्क्स जो हैं अगर 90% से या 85% से कम आते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सके। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो फीस है वो इस टाइम अबव 10 मिलियन हो चुकी है, जो कि एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो बच्चे जो है जब एमडी कैट देते हैं तो उसके बाद बहुत एक डिप्रेसिंग फेज में चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ फेस की हुई है। जो सेकेंड ईयर के बाद का फेस है ये स्टूडेंट लाइफ का मोस्ट डिप्रेसिंग फेस है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं हो पा रहा या आपके मार्क्स इतने नहीं हैं तो और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर MBBS आपने नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर एक MBBS को बहुत हाइप बना दी गई है, लोगों ने इसको ज़िंदगी मौत का मसला बना दिया हुआ है। तो आपके पास बहुत सी फील्ड्स हैं, अगर आपके MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं। आप अगर आप सबसे पहले आपने देखना है कि आप मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, या फिर आप अपनी टोटली फील्ड अलग करना चाह रहे हैं, या फिर आपने मेडिकल वाली लाइन में ही रहना, यानी कोई ऐसी डिग्री आपने चूज करनी है जो कि मेडिकल रिलेटेड ही है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई भी मेडिकल की जो डिग्री है उसका उस तरह से स्कोप नहीं है जिस तरह के होना चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स मेडिकल एमडी कैट देकर टोटली अपनी लाइन चेंज कर लेते हैं, वो CS की तरफ आ जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ आ जाते हैं, अकाउंटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप अफोर्डिंग हैं और अगर आप एक लंबी रेस में चलना चाहते हैं तो फिर आप इस मेडिकल प्रोफेशन के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर आएँ और अपने प्रोफेशन को परस्यू करें। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले BDS आ जाता है, फिर फिजियोथेरेपी आ जाती है, फिर न्यूट्रिशन साइंसेज आ जाती है, उसके बाद फिर आपके पास OT टेक्नीशियंस के डिग्री BS आ गया हुआ है, BS एनेस्थीसिया आ गया हुआ है, फिर बॉटनी जूलॉजी सबके अंदर BS की डिग्रीज यूनिवर्सिटीज दे रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अपना कैरियर चूज़ करने से पहले उस कैरियर पर वर्किंग लाजमी करें कि उस कैरियर का फ्यूचर क्या है, उस कैरियर का पाकिस्तान के अंदर फ्यूचर क्या है और कैसे जो है वो आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और कैसे आप उस कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जितने भी मेडिकल की डिग्रीज हैं उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, बेशक वो MBBS है या BDS है। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो MBBS में एडमिशन ले लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर इवन प्राइवेट के अंदर, वो भी एक बहुत टफ लाइफ को फेस करते हुए 5-6 साल के बाद एक जब बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्क में जाकर अपना करियर परस्यू करते हैं तो जहाँ कि वहाँ पे कुछ स्टेबल हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मशवरा दूंगा कि जिन्होंने MD कैट दिया है वो अगर उनके मार्क्स कम हैं वो गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले सकते तो सबसे पहले वो डिसाइड करें कि उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन को परस्यू करना है, किसी भी मेडिकल की डिग्री को, या उन्होंने अपनी फील्ड चेंज करनी है। अगर वो फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटिंग बहुत सी डिग्रीज हैं। अगर वो मेडिकल में आना चाहते हैं तो ये चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर अब किसी भी मेडिकल की डिग्री का स्कोप उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप कोई भी डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें, उसके बाद बाहर जाकर स्पेशलाइजेशन करें या फिर MS वगैरह करें, MPhil करें, तो फिर आपकी डिमांड उस तरह से बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले आपने वर्किंग लाजमी करनी है कि उस कैरियर का जो आप चूज़ करने जा रहे हैं आफ्टर कि आप मेडिकल कॉलेज के अंदर नहीं जा सके,
उसका आपने स्कोप फ्यूचर लाजमी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में जब आप जाएंगे प्रोस्पेक्टस लेने तो वो तो आपको सब बात दिखाएंगे कि जी हाँ जी इसके बाद आप ये कर सकते हैं, इसके बाद आप ये कर सकते हैं। लिटरली लिटरली जो मेडिकल डिग्री से एफिलिएटेड स्टूडेंट्स हैं जॉब पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जॉब्स के साथ साथ अगर जॉब मिल भी जाती है तो इतनी सैलरी या इतनी इनकम नहीं जनरेट कर पाते पाकिस्तान में हम कि आप उससे अपना एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया है कि जिनके एम डी कैट में मार्क्स कम हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने अपना दिल जो है वो छोटा नहीं करना। किसी भी डिग्री में आप एडमिशन लें, आपने अपने आप को आपने उस डिग्री के अंदर अपना स्किल डिवेलप करना है। जब आप अपना स्किल डिवेलप करेंगे आप उस डिग्री को अच्छे तरीके से, बेशक आप बॉटनी में चले गए हैं, बेशक आप फिजियोथेरेपी के अंदर हैं, बेशक आप फार्मेसी के अंदर हैं, बेशक आप न्यूट्रिशन साइंसेस के अंदर हैं, बेशक आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, बेशक आप बीडीएस के अंदर हैं, आप जब उस डिग्री को आपने एक दफ़ा चूज कर लिया और आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो आपने अब अपने उस स्पेशल फील्ड के ऊपर वर्किंग करनी है और उस पर मेहनत करनी है और आपने कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं तो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो है कंसिस्टेंसी। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीएस, आपने इस कंसिस्टेंसी शो करनी है, जुड़े रहना है और आपने मेहनत करनी है। ये दो चीज़ें अगर आप अपनी कैरियर के अंदर इस चीज़ दोनों चीज़ों को पकड़ लेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि अभी FSC का रिजल्ट आया है और बच्चे बड़ा परेशान हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए कि हम किस यूनिवर्सिटी जाएँ, कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं उनको तो मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि वो एंटी टेस्ट के मार्क्स और अपनी यूनिवर्सिटी से अच्छी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। लेकिन जिनके मार्क्स अप टू दी मार्क नहीं है, जो अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर सके, उनके लिए भी कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आपसे किसी ने भी नहीं पूछना कि आपके FSC के मार्क्स कितने हैं, आपके ICS के मार्क्स कितने हैं, आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, ये मैटर नहीं करता। आप किसी भी यूनिवर्सिटी एडमिशन लें, आपका जो आपने करियर एक चूज़ किया हुआ है, बेशक आपने BScS करना है, बेशक आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, आपने अगर आपने कोई भी आपने CA करना है, आप सिर्फ अपनी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। एडमिशन लेते वक्त आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या कि आपने जिस यूनिवर्सिटी पर आप एडमिशन लेना जा रहे हैं, बेशक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तो उन बच्चों को एडमिशन मिलेगा जिनके मेरिट पे मार्क्स होंगे, जिनके बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वो एफिलिएटेड HEC से है या नहीं है, आपने उसकी रिकॉग्नाइजेशन लाजमी देखनी है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर यूनिवर्सिटीज़ जो कि डिग्रीज दे रही हैं उनकी एफिलिएशन का किसी को कुछ पता नहीं है, वो HEC से रिकॉग्नाइज नहीं है। तो आपने इस पे सबसे पहले वर्किंग करनी है। उसके बाद जब आप अपना करियर चूज करने लगते हैं तो आपने वही बात देखना है कि इसका फ्यूचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, और आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी देखनी है कि आप कितनी मार खा सकते हैं, कितनी मार अफोर्ड कर सकते हैं। इन अ सेंस कि अगर कोई ऐसा करियर आपने चूज़ किया लाइक सी है, उसके अंदर काफ़ी लंबी रेस है, काफ़ी लंबा आपको चलना पड़ता है, उसके बाद जाके कहीं आप स्टेबल होते हैं। कुछ ऐसे फील्ड जिसमें आप जल्दी अर्न करना शुरू कर देते हैं जो कि इस टाइम मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो जब आप एक यूनिवर्सिटी को जब आपको पता लग गया हाँ जी मैं इस यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ और आपको वहाँ एडमिशन मिल भी जाता है, तो उसके बाद आपने जब अपना यूनिवर्सिटी करियर स्टार्ट करना है तो आपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना शुरू कर देना है। क्योंकि जब आप मैट्रिक के अंदर होते हैं तो आपको कहा जाता है कि जी बस मैट्रिक कर लो, FSC मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लो तो आप आगे जा सकते हो। FSC में आओगे तो आपको आ जाएगा कि बस FSC कर लो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी एडमिशन मिल जाए तो आपका करियर बन जाएगा। जब आप अच्छी यूनिवर्सिटी आते हो तो फिर आपको कहा जाता है कि स्किल डेवलपमेंट पे, तो स्टेप बाय स्टेप आपने आगे चलना है। पहले आप अच्छे मैट्रिक में नंबर लेते हैं, फिर आप FSC में नंबर लेते हैं, फिर आप एंट्री टेस्ट पास करते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको काम आ गया। आपने फिर अच्छी यूनिवर्सिटी जाने के बाद अगला स्टेप है कि स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, आपने काम को सीखना है। अब काम को सीखने के बहुत से तरीके हैं। एक तो यूनिवर्सिटी जो साथ साथ पढ़ा रही है वो प्रैक्टिकल वर्क भी करवाते हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को मैं मशवरा देता हूँ कि जो अपना इवनिंग का टाइम है उसको यूटिलाइज करें। लाइक अगर सॉफ्टवेयर BScS आप कर रहे हैं तो आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में शाम को काम करें, आप स्किल्स सीखें।
अगर आप किसी सीए कर रहे हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो जो जो कंपनीज बड़ी बड़ी पाकिस्तान के अंदर है वहां पे आप इंटर्नशिप्स करें, वहां पे आप काम को सीखें और समझे साथ साथ, ताकि जब 4 साल की डिग्री आप कर लेंगे, उस डिग्री करने के बाद जब आप जॉब करने जाएंगे तो सबसे पहला आपको सवाल पूछेंगे आपको काम क्या आता है। तो आपने 2-3 साल पे अगर लगाए होंगे, अपने इवनिंग का टाइम यूटिलाइज किया होगा, तो आपको काफी काम आता होगा, डिग्री तो आपके पास होगी ही। तो जो आपने डिग्री लेने के बाद 2-3 साल जाया करने हैं काम सीखने में, उससे बेहतर है कि आप इन 4 सालों के अंदर जो आपकी बीएस की डिग्री है कोई भी, आप शाम टाइम किसी भी अपने रेलेवेंट जो डिग्री आप कर रहे हैं उससे मुतालिक कोई भी कंपनी है उसमें आप काम सीखें, साथ साथ काम सीखें, और वो आपको हेल्प आउट करेगी आफ्टर दी ग्रेजुएशन। और उसके बाद आपको जॉब जब आप लेने जाएंगे तो आपको काम भी आता होगा, आपके पास डिग्री भी होगी, और फिर उसके बाद आपने उस पर मजीद मेहनत करनी है, एक्सपीरियंस लेने के लिए मजीद पढ़ना है। तो इस तरह आप जल्दी स्टेबल हो सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें नहीं बताई जाती। सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स फीस ले लेते हैं कि जी बस आप आ जाएं आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। और अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनकी अनफॉर्चुनेटली सप्ली आई है एफएससी के अंदर, तो मैं उन सबको कहूँगा कि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, डिप्रेसिंग वाली कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ एक चीज़ को आपने पकड़ लेना है। वो चीज़ क्या है कि आपने सबसे पहले आपको होना चाहिए कि मैं अपनी तरह किसी तरह अपने ये जो सप्ली आपकी आई है, जो फेलियर आपने फेस किया है, इसको मैं किसी तरह पास करूँ। तो आपको 40 डेज का टाइम दिया जाता है आफ्टर दी एफएससी एग्जाम कि आप अपने दोबारा उसको मौका दिया जाता है, उसको मेहनत करके तो वो पास करें। जब आप उसको पास कर लेंगे उसके बाद जैसे मैंने बताया किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाएं, डिग्री एक तो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, दूसरा आप किसी भी यूनिवर्सिटी चले जाएं आपने साथ साथ स्किल सीखना शुरू कर देना है। आपने अपना इवनिंग का टाइम, अगर जो इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो मॉर्निंग में काम सीखें, जो मॉर्निंग है वो इवनिंग में काम सीखें, डबल टाइम आपने काम करना है, क्योंकि इस टाइम कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर एक सप्ली वाला स्टूडेंट चाहता है कि मैं एक उस स्टूडेंट से आगे जाऊँ जो कि बहुत लाइक था, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो उसको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी आके। तो एक जगह तो लाजमी आपने मेहनत करनी है। अगर आप मैट्रिक एफएससी में मेहनत नहीं कर सकते तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर आकर तो मेहनत कर सकते हैं, मौका तो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो उस पर आप आके मेहनत करें और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें अपनी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला एक दिन मेहनत का सिला लाजमी देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने मेरी जितनी एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, तो सबसे जो डिप्रेसिंग फेज है वो इस टाइम ये वाला होता है कि जब स्टूडेंट्स अपनी करियर बनाना चाहते हैं, उनको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, जहाँ वो जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते, जो करियर वो चूज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो उन सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका जो नसीब है, जो रिस्क है, वो आपको मिल के रहना है। बस दो चीज़ें आपने नहीं छोड़नी, एक मेहनत और दूसरा कंसिस्टेंसी, और आपने जो करियर चूज करना है वो सोच समझ के करना है, अपने फाइनेंशियल मामलात को देखते हुए, अपने फ्यूचर की जो आपकी एक आपसे जो आपकी फैमिली एक सोसाइटी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं उनको सामने रखते हुए अपना करियर डिसाइड करना है। और इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं हर करियर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, किस करियर का क्या फ्यूचर है पाकिस्तान के अंदर, कैसे आप उसे अर्न कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ मजीद पूछना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।